हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मुजफ्फरपुर का एक बेहतरीन दुर्गा मंदिर का दर्शन कराता हूँ। यह अखाड़ा घाट दुर्गा मंदिर का है, एक काफ़ी बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एक अद्भुत नज़ारा है आप लोग सामने। कितनी बेहतरीन वास्तव में माँ दुर्गा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ है। इसे देखकर लगता नहीं है कि वास्तविकता तो यही है कि माता आज भी हम लोग के दिलों में वास करते हैं। काफी बेहतरीन अद्भुत नजारा आप लोग ठीक क्या। चलिए हम आप लोग चलते हैं। ये टावर पर का दुर्गा मंदिर है। चलिए मैं आपको पंकज मार्केट का मैं दर्शन कराता हूँ। काफी बेहतरीन ढंग से यहाँ भी सजाया गया है। माँ का दरबार अद्भुत नजारा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष काफी बेहतरीन नजारा है। ये पंकज मार्केट मुजफ्फरपुर का है। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु काफी दूर से आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। क्या गजब का नज़ारा है। वास्तव में लगता है कि माँ पृथ्वी पर आई है और हम लोग को संदेश देकर गई है कि पृथ्वी पर सभी व्यक्ति खुशी पूर्वक जिए, जीवन बसर करें। चलिए ये दुर्गा स्थान का है। काफी बेहतरीन ढंग से इसको सजाया भी गया है। अगर बाहर के नज़ारा देखा जाए तो गजब है। चारों तरफ फूलों की लड़िया से जुगनू कर रही है। माँ का दरबार पूरी तरह से सज धज का तैयार है। गजब का नज़ारा है। मैं आपको बता दूं कि यह 2018 का ही है। और काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, माँ का दर्शन करके जाते हैं। प्रत्येक साल काफ़ी बेहतरीन ढंग से इस मंदिर को सजाया जाता है। और देखिए ऊपर का कितना बेहतरीन नज़ारा है। ऊपर गजब का सीन है। ऊपर लाइन के द्वारा राक्षसों का वध किया जाता है। एक आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया है। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है।
अंदर का सीन को, मंदिर के अंदर इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन, मतलब कहिए ना, गजब का नज़ारा है। और उस समय देखिए राक्षस माता जी, और ऊपर ये देखिए सजे हुए फूल के, गजब का दृश्य है, अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए लाइट की बात कहें तो लाइट भी गजब से लगाया गया है। ये माता क्या दर्शन आप लोग कर सकते हैं। सभी श्रद्धालु माता के इन दर्शनों को पाकर धन्य हो जाते हैं। अति मनोरम दृश्य है। जिसकी श्रद्धा होते हैं वही व्यक्ति आ पाते हैं। गजब का दृश्य आप लोग के सामने।